व्हाट्सअप गाइज दिस इज दीपक वेलकम टू द लेसन नंबर एटीन ऑफ गूगल एड्स पिछले लेक्चर में हमने जी मेल एड्स के बारे में बात किया था राइट right? एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि लेसन नंबर नाइनटीन में हम बजट के बारे में बात करेंगे इन डिटेल राइट right? तो जी मेल एड्स के बारे में हमने बात कर लिया डिस्कस कर लिया एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बारे में इन डिटेल कैसे आप बजट सेलेक्ट करोगे कितनी बजट आपको रखनी है आप जब भी एड रन कर रहे हो राइट तो उसके लिए एक कैलकुलेशन होती है राइट एंड उसके अकॉर्डिंग आपको बजट रखनी है राइट एंड बजट के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर आपकी जो एड है उसका सक्सेस रेट डिपेंड करती है राइट एंड नॉट ओनली बजट सिर्फ बजट ही नहीं हमने एड क्वालिटी के बारे में बात किया था क्वालिटी स्कोर के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात किया था राइट क्वालिटी स्कोर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ बजट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना है एंड देन एड रन करनी है राइट right? तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बजट जिसपे आपकी जो एड है उसकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है उसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल तो स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में हम बात करते हैं राइट तो सबसे पहले मैं एक सी uh, यहाँ पे आ जाता हूँ एंड ये जो शीट है जहाँ पे मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि मुझे बजट की ज़रूरत होगी राइट एंड ये जो अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये जो शीट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा राइट एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ओके एंड आप अपने बिजनेस के लिए बजट कैलकुलेट कर सकते हो ओके तो यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहला डेली बजट ओके मंथली स्पेंड यहां पे अगर मैं डेली बजट सपोज करो यहां पे मैं लिखता हूं फिफ्टी रुपीज राइट तो यहां पे मंथली स्पेंड यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं सी तो मंथली स्पेंड मेरे कितने आ गए फिफ्टीन हंड्रेड ओके एंड यहां पे कॉस्ट पर क्लिक सपोज करो कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आपको राइट right? पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस करा है इन डिटेल कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है ये सारी की सारी जो टर्म्स है राइट एंड सपोज करो कॉस्ट पर क्लिक है uh, राइट right? तो टोटल क्लिक्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने टोटल क्लिक्स पे मैंने क्लिक करा यहाँ पे टोटल क्लिक्स मेरे डेली के कितने आ रहे हैं टेन एंड मंथली क्लिक्स कितने आ रहे हैं थ्री राइट एंड अगर आपका कन्वर्जन रेट कन्वर्जन रेट के बारे में इन डिटेल हमने बात किया है कन्वर्जन क्या होता है राइट right? एंड यहां पे अगर आपकी कन्वर्जन रेट है टेन परसेंट ओके तो डेली टोटल लीड्स आपके पास कितने आएंगे सी सिर्फ एक लीड्स आ रहे हैं आपके पास राइट ओनली वन लीड एंड मंथली लीड्स कितने आ रहे हैं आपके पास सी मंथली लीड्स आ रहे हैं आपके पास ओनली थर्टी सिर्फ तीस लीड्स आ रहे हैं आपके पास एंड यहां पे अगर मैं लीड टू कस्टमर कन्वर्जन यहां पे सपोज करो ये आपका है ट्वेंटी फाइव परसेंट राइट तो टोटल कस्टमर आपके पास कितने आएंगे एट कस्टमर ओनली एट कस्टमर राइट right? अब सपोज करो आपका कोई बिजनेस है राइट right? एंड यहां पे आप गूगल एड्स पे डेली बजट सपोज करो आपकी है थ्री थाउजेंड रुपीज राइट तो मंथली स्पेंड कितनी हो गई आपकी सी इतने हो गए नाइन्टी थाउजेंड रुपीज राइट एंड यहां पर कॉस्ट पर क्लिक सपोज करो कॉस्ट पर क्लिक आप कैसे पता करो ये मैं आपको बताऊंगा ओके एंड कॉस्ट पर क्लिक सपोज करो आपकी है वन फोर्टी फाइव रुपीज राइट तो टोटल क्लिक्स आपके कितने आ गए वन डे के ट्वेंटी वन एंड मंथली क्लिक्स कितने आ रहे सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी मतलब एक मंथ में आप सिर्फ सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी हो इतने ही क्लिक्स अगर आपका कन्वर्जन रेट सी अगर आपका कन्वर्जन रेट है सपोज करो मैं ले लेता right? तो टोटल लीड्स कितने आ रहे हैं सी ओनली थ्री लीड्स आ रहे हैं राइट एंड मंथली लीड्स कितने आ रहे हैं नाइन्टी ओके एंड अगर हम लीड टू कस्टमर कन्वर्जन के बारे में बात करें एंड ये सपोज करो है आपकी ट्वेंटी परसेंट राइट तो टोटल कस्टमर कितने आ रहे हैं मंथली आपके ओनली नाइनटीन कस्टमर आ रहे राइट एंड बजट आपने लगाया कितना था वन मंथ में सी 90,000 थाउजेंड एंड कस्टमर कितने आ रहे नाइनटीन राइट right? तो अब आपका क्या गोल होगा आपका एक टारगेट होना चाहिए सी आप यहां पे फोकस करो ये जो कॉस्ट पर क्लिक है सी एंड यहां पे जो टोटल क्लिक्स हैं सी ये जो टोटल क्लिक्स हैं ये डेली के क्लिक्स हैं राइट एंड ये मंथली क्लिक्स बता रहा है राइट right? तो ये जो डेली के क्लिक्स हैं आपका एक टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 100 क्लिक्स चाहिए 100 लोगों को आपका एक टारगेट होना चाहिए कि 100 लोगों को आप डेली अपने लैंडिंग पेज पर भेज पा रहे हो राइट right? 100 या फिर 100 से ज्यादा लोग इतने लोगों को कम से कम मिनिमम इतने लोगों को आप लैंडिंग पेज पर भेज पा रहे हो यह आपकी टारगेट होनी चाहिए राइट right? अब सपोज करो मुझे भेजने हैं हंड्रेड लोगों को अपने लैंडिंग पेज पर राइट right? तो यहां पे अगर मैंने थ्री थाउजेंड डेली बजट रखा राइट right? तो मेरे टोटल क्लिक्स कितने आ रहे हैं एक दिन के ट्वेंटी वन राइट एंड सपोज करो यहां पे मैं रखता हूं डेली के ट्वेल्व थाउजेंड राइट सी तो मंथली स्पेंड कितने आ रहे हैं मेरे इतने आ रहे हैं राइट right? एंड कॉस्ट पर क्लिक सपोज करो अब कॉस्ट पर क्लिक आप कैसे पता करोगे सी यहां पे मैं जाता हूं एड अकाउंट में आ गया मैं यहां पे टूल्स एंड सेटिंग्स में मैं जाता हूं यहां पे मैंने क्लिक करा राइट एंड की वर्ड प्लानर में मैं जाता हूं सी यहां पे मैं क्लिक करता हूं एंड यहां पे सपोज करो आपका जो बिजनेस है सपोज करो आपका कोर्स सेलिंग का बिजनेस है आप किसी कोर्स को सेल करना चाह रहे हो सपोज करो आपके पास फेसबुक एड कोर्स है राइट right? तो यहां पे मैं लिखता हूं सी फेसबुक एड्स ट्रेनिंग अगर यहां पे मैंने लिखा फेसबुक एड्स ट्रेनिंग राइट एंड मैं करता हूं गेट रिजल्ट्स, ओके तो यहां पे आप देखो सी टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज यहां पे लिखा हुआ है राइट right? एंड यहां पे हायर बिडिंग कितनी है सी 144 रुपीस राइट right? 144 रुपीस ओके okay? यहां से आप कॉस्ट पर क्लिक पता करोगे आपको हमेशा हायर बिड करना है अगर आप 144 से ज्यादा बेट करते हो सपोज करो लेट सपोज आप करते हो 147 हंड्रेड राइट right? या फिर 145 तो जितने सारे ट्रैफिक होंगे वो आपके पास आएंगे राइट right? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो बजट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी जो एड है जिसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है बजट पे राइट right? आपको हमेशा हाइयर बिड रखनी है राइट एंड सपोज करो आप यहाँ से लोकेशन ले सकते हो यहां पे मैं करता हूं यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूं एंड यहां पे मैं सपोज करो दिल्ली में एड रन करना चाहता हूं राइट right? तो मैं इसे यहां से टारगेट कर लेता हूं एंड इसे करता हूं सेव तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको 173 आपको 174 173 या फिर 170 से ज्यादा बिट करनी है हमेशा राइट एंड यहां पे आपको यहां पे सी कॉस्ट पर क्लिक कितने हो गए 173 तो यहां पे मैं ले लेता हूं 173 हंड्रेड सेवेंटी राइट तो टोटल क्लिक्स कितने आ रहे हैं ओनली 69 राइट right? ओनली 69 एंड यहां पे अगर आपका कन्वर्जन रेट है 10 परसेंट right? राइट तो डेली टोटल लीड्स कितने आ रहे हैं ओनली सेवन एंड मंथली लीड्स कितने आ रहे हैं सी 208 अब यहाँ पे मंथली लीड्स कितने आ रहे 208, टू हंड्रेड एट राइट एंड लीड्स टू कस्टमर कन्वर्जन कितने आ रहे हैं सपोज करो आपके हैं ट्वेंटी परसेंट राइट तो टोटल कस्टमर्स आपके पास कितने आ रहे ओनली फोर्टी टू राइट एंड यहाँ पे मेरी टारगेट क्या थी सी हंड्रेड लोगों को कम से कम लैंडिंग पेज पर भेजना राइट right? ये जो नंबर होने चाहिए आपके हंड्रेड से ज्यादा होने चाहिए टोटल क्लिक्स राइट right? तो यहां पे आपको बजट बढ़ाने पड़ेंगे तो यहां पे सपोज करो मैं कर लेता हूं फोर्टीन थाउजेंड राइट तो यहां पे सी एटी वन हो गए यहां पे मैं ले लेता हूं फिफ्टीन थाउजेंड राइट तो यहां पे टोटल क्लिक्स कितने आ रहे हैं मेरे सी एटी सेवन आ रहे हैं अगर यहां पे मैं ले लेता हूं एटीन थाउजेंड तो यहाँ पे टोटल क्लिक्स कितने आ रहे हैं वन हंड्रेड फोर राइट तो आपको डेली बजट कितने रखने एटीन थाउजेंड राइट तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है इस तरह से आपको बजट डिसाइड करना है राइट एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बजट ही नहीं आपको ध्यान रखना है क्वालिटी स्कोर का आपका जो लैंडिंग पेज है उसकी कॉपी अच्छी होनी चाहिए राइट right? आपकी जो एड है उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए राइट आप जो की यूज कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होना चाहिए राइट तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है एंड आई होप ये जो लेसन था आपको अच्छे से समझ में आ गई है एंड आप इसकी प्रैक्टिस करो आप देखो ओके एंड दैट्स इट इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो वेरी मच